नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, IRFC का शेयर जो है ना 23 रुपए के अपने एक मेजर सपोर्ट को तोड़ के वॉल्यूम के साथ नीचे बंद हुआ है। और थंबनेल में मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि जो बोला था वही हुआ। दोस्तों, मैंने हमेशा कहा है कि IRFC एक वीक स्टॉक दिख रहा है और आने वाले समय में आपको 22 से लेके 21 रुपए तक भी आपको दिखा सकता है दोस्तों, ठीक है। प्लस IRFC फॉर अ लॉन्ग टर्म एक अच्छी बेट हो सकती है, प्लस डिविडेंड का ना मिलना और आने वाले समय दोस्तों जो अभी आने वाला ट्रेडिंग सेशन है, जो मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहे हैं और जो पिटाई हो रही है मेड कैप और बाकी स्टॉक्स की, उसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट ये कर रहा है दोस्तों और लगातार अपने निवेशकों को ये फ्रस्ट्रेट करे जा रहा है दोस्तों। और ITC जो एक कहा जाता है ना कि मीम्स बना करते थे, उससे भी मुझे लगता है 10 गुना या 100 गुना ज्यादा फ्रस्ट्रेट लोग IRFC शेयर में, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा शेयर है जो लगातार रिजल्ट भी अच्छे दे रहा है जो मैं आपको दिखाऊंगा। हर एक चीज अच्छी हो रही है, फिर भी निवेशक परेशान है दोस्तों, ना डिविडेंड आ रहा है ना कुछ हो रहा है, ठीक है। हर एक चीज में चर्चा करेंगे दोस्तों और मैं बताऊंगा क्यों अब इसको लेने का समय आ रहा है दोस्तों, या आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, सब में चर्चा करेंगे दोस्तों। बट प्लीज दोस्तों, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए यहीं पे, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करेंगे तो ये औरों को रेकमेंड होगा दोस्तों। तो सीधा चलो दोस्तों IRFC के शेयर प्राइस के ऊपर। आप देखिए कि शेयर ना दोस्तों 23 रुपए को तोड़ करके आज लगभग लगभग 22 रुपए और 80 पैसे में बंद हुआ दोस्तों, और एक समय में शेयर ने 22 रुपए 60 पैसे का भी लो बनाया था दोस्तों, ठीक है। और IRFC शेयर दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा था कि अब ये वीक दे रहे दोस्तों। देखिए, ये शेयर ग्रोथ तो स्टॉक है नहीं, ये ग्रोथ स्टॉक है नहीं, ठीक है, ग्रोथ स्टॉक ये है नहीं। प्लस दोस्तों डिविडेंड इसमें मिल नहीं रहा है, ठीक है, डिविडेंड इसमें मिल नहीं रहा है, ठीक है। आने वाले समय में शायद 1 या 1.5 रुपए का आपको डिविडेंड मिल भी जाएगा जो आने वाला क्वार्टर उसमें रिलीज करे, ठीक है। इसमें जो OFS है उसकी तलवार इसमें दोस्तों लटक ही रही है ना, क्योंकि OFS क्योंकि मार्केट जो गवर्नमेंट है उसका इसमें स्टेक 85% से ज्यादा है और आने वाले 3 से 4 सालों में इन्हें अपना स्टेक 75 या उससे कम, एटलीस्ट मिनिमम 75 तो करना पड़ेगा, जिसके ऊपर OFS की तलवार लटकी हुई है दोस्तों, ठीक है। एक बीच में एक न्यूज आई थी कि भाई IRFC का जो शेयर है वो शायद बोनस दे, कई लोगों मैंने ये सुना बोनस दे तो, और जब ये खैर बोनस की बात हुई थी मैं तब ही कह दिया था कि जो मैनेजमेंट है वो मूर्ख नहीं है कि इशू प्राइस से भी 4 रुपए कम आएगा और बोनस दे देगी, ठीक है दोस्तों। और अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो स्टॉक है ना दोस्तों, ये अब आएगा बाइंग लेवल के जोन में, बाइंग जोन में, ठीक है। क्योंकि देखिए देखिए आने वाले क्वार्टर में आपको डिविडेंड मिलेगा लगभग 1 या 2 रुपए का, 1 से 1.25 रुपए, मतलब सीधा सीधा 5% का आपको ये डिविडेंड देगा, ठीक है। और ये जो इसका 20 रुपए के आसपास है दोस्तों, जो 20 रुपए के आसपास पिछली बार इसने 20 रुपए 80 पैसे का एक लो लगाया था दोस्तों, 20 रुपए और 80 पैसे का लो लगाया था, वहां से आपको अपमूव दिखना शुरू हुआ था। और मेरा यही कहना दोस्तों कि अब यहाँ स्टैगर्ड वे में आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, IRFC ना जैसे अरबिंदो फार्मा बहुत हाई बीटा स्टॉक है, इससे पहले मैंने अरबिंदो फार्मा के ऊपर एक वीडियो बनाया दोस्तों, आप जाके देख सकते हैं। जो अरबिंदो फार्मा है दोस्तों एक हाई बीटा स्टॉक है, वो बहुत जबरदस्त चलता है, लेकिन जो IRFC है ये ना दोस्तों बहुत लो बीटा स्टॉक है, ये बिल्कुल नहीं चलता है। पूरे दिन भर में आपको 50 पैसा 30 पैसा 20 पैसा का मूव दिखाएगा सर, है ना। और आने वाले हफ्ते भर में भी ये देखिए, आप मैं आपको दिखाऊं एक चीज कि पिछले 6 महीने में ये 8% का आपको नेगेटिव रिटर्न दे चुका है दोस्तों, ठीक है। साल भर की बात करूं तो भाई आप देखेंगे साल भर में भी ये लगभग 8% का नेगेटिव रिटर्न, ठीक है। ईयर ऑन टूडे में भी ये शायद रिफ्रेश नहीं हो रहा दोस्तों, रुकिए मैं एक बार रिफ्रेश कर दूं तो शायद दिखाई दे। 6 महीने में देखिए, हाँ इतना है, ईयर ऑन टूडे में भी लगभग 8%, 1 साल में भी 8%, ठीक है दोस्तों। यानी जब से 26 रुपए का इश्यू प्राइस रहा है वहां से तब से दोस्तों ये नेगेटिव में ही है, ठीक है। और मैं IRFC के शेयर प्राइस को लेकर ये कहता दोस्तों, जैसे अरबिंदो फार्मा हर के स्टॉक ऐसा स्टॉक नहीं जो हर को इन्वेस्ट करे ना दोस्तों, IRFC भी ऐसा स्टॉक नहीं जो हर को इन्वेस्ट करे। क्यों भाई, आप देखिए इसके लास्ट जो रिजल्ट आए हैं, आप देखिए इसके जो आप देखेंगे कि इसका जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों, आप इसका एक सेकंड मैं आपको नेट प्रॉफिट बताता हूँ, नेट प्रॉफिट कहाँ गया दोस्तों, हाँ इसका आप नेट प्रॉफिट देखिए, आप पाएंगे कि भैया इसका जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी तो ऊपर है ही दोस्तों, ये देखिए, ठीक है। और बहुत कम ऐसे रिजल्ट आए दोस्तों इस बार कंपनीज के जिन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट दिया है। और Q1Q में जाऊंगा तो आप देखेंगे कि भैया 24.8% की उछाल है, और
एक लौती ऐसी कंपनी दोस्तों जिसमें मैनेजमेंट ने कहा था कि भाई हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, जो कोविड की वेव आई थी, कोविड की वेव से हमें, कोविड 19 की जो वेव आई थी उससे हमारी फाइनेंशियल कोई असर नहीं पड़ा है, और आने वाले अगर तो थर्ड वेव की बात होगी तो भी हमें लगता है नहीं होगा असर, ठीक है। इसके पास गवर्नमेंट की बैकिंग है दोस्तों, इसके पास जो आने वाले कई सालों का जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी विजिबल है दोस्तों, ठीक है, ये ऑलरेडी विजिबल है। मतलब IRFC दोस्तों ऐसा है ना कि एक हर वो कंपनी में जो होना चाहिए वो सब चीज है। क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, देखिए सबसे पहला कि आपके पास डिफॉल्ट होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है, तो रिस्क बहुत ही कम है, ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट की बैकिंग है, प्लस इसके जो रिजल्ट है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू इसके विजिबल दोस्तों आने वाले 5 से 7 सालों के लिए, क्योंकि भाई ये लघु देने का काम करती है, क्या पैसे देने का, जो रेलवे में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं तो जो वो जो लोन होता है वो कम से कम 2 साल 5 साल ऐसा रहता है, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्या है, ये आपके प्रोटेक्शन, पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन के काम आता है, ये पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन की शेयर काम आता है दोस्तों, ठीक है, कैसे कि मार्केट की गिरावट में आपके जो पोर्टफोलियो को बचाता है, इसको ज्यादा गिरने नहीं देता दोस्तों, ठीक है। फोर्थ, मैनेजमेंट क्लीन है दोस्तों, ठीक है, मैनेजमेंट इसकी बहुत क्लीन है, कोई दाग कोई धब्बा नहीं है इसमें दोस्तों, यानी गवर्नेंस के कोई इशू नहीं है, ठीक है। और तो इतनी अच्छी चीज दोस्तों फिर भी ये स्टॉक नहीं चलता है, क्यों, क्योंकि देखिए मेरा मानना ये, जो मुझे लगता है ये नहीं चलता है, उसका कारण ये दोस्तों, OFS तो है ही, ये आप माने नहीं माने, OFS एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों इसके ना भागने का, ठीक है। और वही बता दूं, वो शायद कब होगा किसी को नहीं पता, लेकिन वो 2024 से पहले होगा, मैं बता दूं आपको, इसीलिए, ठीक है, ये हैंगओवर बना हुआ है इसमें, और PSU स्टॉक है इसीलिए उसे, और दूसरी जो बड़ी बात है कि एक ये PSU स्टॉक है दोस्तों, और इसकी रेटिंग भी एज अ PSU स्टॉक होती है, ना कि प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी, यही कंपनी कोई प्राइवेट सेक्टर होती है दोस्तों, आप उसके वैल्यूएशंस देखते उसके वैल्यूएशंस ना, वैल्यूएशंस देखते बनते आपको अभी तक कम से कम अपने इशू प्राइस से कम, मैं नहीं मोटा मोटा नहीं मान दोस्तों, तो 30 से 40% ऑलरेडी रिटर्न ये दे चुका होता दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए इसके साथ रिस्क भी है कि अगर प्राइवेट फंडिंग शुरू हो जाती है दोस्तों, प्राइवेट फंडिंग, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है IRFC के लिए। लेकिन इसके साथ एक और इशू है कि भाई ये सिर्फ सरकार को ना दे करके कहीं और भी शुरू कर दे बिजनेस करना, तो उस कंपनी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है दोस्तों। इसीलिए मेरा आपसे कहना है कि IRFC इज अ गुड बेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म, सिर्फ लॉन्ग टर्म नहीं दोस्तों, वेरी लॉन्ग टर्म। आपको इसमें कम से कम अपनी मेहनत करके दोस्तों कम से कम 5 साल, फॉर 5 years ऑफ होराइजन आपको इसमें इन्वेस्टमेंट रखनी पड़ेगी। और दोस्तों फिर भी आप ये नहीं मानिए कि आपके शेयर को 100 रुपए 200 रुपए कर देगा, 5 साल भी मुझे ये लगता है शेयर 50 से लेके 75 रुपए भी चला जाए तो बहुत है दोस्तों, और मैं बहुत रैशनल होकर ये बात कह रहा हूँ, यानी यहाँ से 2 से 3 गुना 5 सालों में, वो भी होता है तो मुझे नहीं लगता दोस्तों 50 रुपीज ही मुझे वैल्यूएशन दिख रही है कि यहाँ से 5 सालों में ये होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए इसके साथ ये है कि ये डिविडेंड स्टॉक है, 5 से 10% के बीच की आपको ये अच्छी खासी डिविडेंड हमेशा देगा दोस्तों, ठीक है। तो यही मेरा कहना है कि आप अगर एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इतना आपका पेशेंट टेस्ट करने के बावजूद आप उसमें इन्वेस्ट करें, तभी दोस्तों इस शेयर में जाएं, वरना ऐसे शेयर को अवॉइड करके मार्केट में दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे ऐसे शेयर हैं जो अभी ऐसे वैल्यूएशन में मिल रहे हैं जो शायद अब ना मिले दोस्तों, ठीक है। अब मुझे ये बताना है आपको कि IRFC का जो स्टॉक है दोस्तों ये 20 रुपए के आसपास एक बहुत अच्छी बैट है दोस्तों। देखिए मैं ये भी नहीं कह रहा कि 20 रुपए को से नीचे नहीं जाएगा, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और मिड कैप्स में प्रेशर बना हुआ है और PSU भी लगातार पिट रहे हैं, और अगर एक शॉर्टर सो मौका मिलता है दोस्तों ये 18 रुपए के आसपास भी आपको मिल सकते हैं दोस्तों, 18 रुपए के आसपास भी शेयर मिल सकता है। लेकिन दोस्तों एक डिसिप्लिन बनाए कि भाई मैं 22 रुपए के आसपास लूंगा और फिर हर 3 रुपए के शेयर के बाद जो भी गिरावट होगी उसको मैं एक्यूमुलेट करूंगा दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूं, अभी भी बोल रहा हूं, बल्क से बचें, बल्क बाइंग से बचें, और दो या अपने जो होराइजन है, अपना जो पोर्टफोलियो है उसको पहले असेस करें और समझें कि भाई मैं कितना परसेंट इसमें डाल सकता हूं दोस्तों, ठीक है, तभी ऐसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, वरना ऐसे बहुत से स्टॉक है जो अच्छे खासे लेवल पे हैं दोस्तों, सस्ते लेवल पे मार्केट के सिस्टम में, वहां एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं, कर सकते हैं, वो आपको अच्छे खासे अच्छा खासा रिटर्न आने वाले 2 से 3 सालों में जरूर देगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था IRFC के ऊपर, क्योंकि आज जो से सपोर्ट तोड़ा है दोस्तों वो वाकई आने वाले समय में एक गिरावट के संकेत दे रहा है, तो एज अ इन्वेस्टर आपको सतर्क रहना चाहिए, और दोस्तों पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने रिसर्च करके इसमें इन्वेस्ट किया है तो अपने रिसर्च पे भरोसा रखें, और
ये ग्रोथ स्टॉक नहीं है, ये अपने दिमाग में जरूर रखें दोस्तों, तो आपको डर कम लगेगा और परेशानी भी कम होगी पैसे को आपके कम होते देखते हुए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मेरी पर्सनल राय थी, कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों। कोई भी पोजिशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।